सोलन जिला की नौणी पंचायत जहां स्वच्छता के मामले में अन्य पंचायतों के लिए मिसाल बनी हुई है, वहीं अब पंचायत ने स्क्रैप से भी आय कमाना आरंभ कर दिया है। दरअसल पंचायत में एक कूड़ा संयंत्र बनाया गया है जहां पर लोगों द्वारा घर से निकला कूड़ा करकट लाया जाता है। यहां पर लाए गए कूड़े कचरे को अलग अलग किया जाता है जिसमें से दोबारा उपयोग होने वाले स्क्रैप जैसे प्लास्टिक, कांच, गत्ता, कागज आदि को अलग अलग कर रिसाइकलिंग के लिए कई अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता है और बाकी बचे गीले कूड़े को गड्ढे में डाला जाता है जिससे आने वाले समय में खाद बनाई जा सके। पंचायत की इस तरह की पहल से जहां क्षेत्र प्लास्टिक जैसी चीजों से होने वाले प्रदूषण की संभावना कम हो गई है, वहीं इस तरह के कार्य से पंचायत की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, इस तरह के कार्य के लिए गरीब व जरूरतमंद लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि पंचायत द्वारा बनाए गए कूड़ा घर को मासिक किराए पर दिया गया है जिससे पंचायत को सालाना करीब 50,000 रुपए की आमदनी भी आना शुरू हो गई है। वहीं पंचायत प्रधान बलदीप सिंह ने बताया कि पंचायत में 2014 को 4 लाख रुपए की लागत से एक कूड़ा घर का निर्माण किया गया है जिसमें लोगों द्वारा घरों का कूड़ा कचरा यहां लाया जाता है और जिसे यहां से सेग्रीगेट कर दोबारा प्रयोग होने वाले स्क्रैप को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। इससे जहां पंचायत की आमदनी भी बढ़ी है, वहीं सफाई व्यवस्था बरकरार रखने में भी सहयोग मिला है। निर्मल ग्राम पंचायत नौणी मझगांव के अंतर्गत यहाँ हम जो हमारी पंचायत का सेग्रीगेशन स्टोर है, यहाँ पर ये 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमें 7.5 लाख रुपए मिले थे जिसमें हमने 4 लाख रुपए का ये एक सामुदायिक भवन बनाया था। यहाँ पर पहले एक बहुत गहरा खड्ड था, लगभग 100 फुट गहरा, और पूरे शहर की चमरोड़ पंचायत, नौणी पंचायत, दोनों पंचायत का सारा गंद यहाँ इकट्ठा पड़ा रहता था। फिर हमने इसमें चेक डैम लगा के धीरे 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 इस जगह पर डंगे लगाए और ये एक हमने 80 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा एक हॉल का निर्माण किया। इसमें अभी अभी हमने पंचायत स्तर पर ही इसको 4,000 रुपये की अभी दर पर किराए पे हमने एक आदमी को ये हाल दिया है और ये नौणी पंचायत और साथ लगती और पंचायतों का जितना भी गार्बेज कूड़ा में से निकल कर रीयूज वाला सामान होता है उसे ये कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद खरीदते हैं और उन्हें पैसा देते हैं। उससे एक तो पंचायत का लगभग 50% जो कूड़ा है वो कूड़े में ना तब्दील होकर रीयूज होके चला गया और उन लोगों को रोज यहाँ 1,000 रुपये का लाभ हो रहा है। यहाँ तक कि दुकानदार और जो गाँव के लोग हैं अब घरों में गार्बेज में से बढ़िया सामान इकट्ठा करके रख रहे हैं, कूड़े में नहीं फेंक रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये लोगों की सहभागिता से जो हमने काम चलाया है उसमें पंचायत को भी फायदा हुआ है, लोगों को भी लाभ हुआ है और जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं लगभग 10-12 लोगों को यहाँ विभिन्न लोगों को, गरीब लोगों को जो बिल्कुल लोअर तबके के हैं उनको इस काम धंधे से फायदा हुआ है।